बाकी के बर्थडे पर विराट का ये रूप देखकर एक बार फिर से सई ने ये सोच लिया कि विराट कभी नहीं सुधर सकता और साथ ही साथ पाखी भी नहीं सुधर सकती। हालांकि पाखी ने जो है वो सई के मन में ये बात डाल दी है कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो बदल चुकी है, वो माफ़ी भी मांगती है, लेकिन विराट अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। हालाँकि पाखी के बारे में भी अभी सई कन्फर्म नहीं है कि वो ठीक हुई है या नहीं। वेल, यहाँ पर आपको बता दें कि पाखी का बर्थडे होता है, सारे घर वाले बड़े खुश होते हैं और आप देख सकते हैं कि सारे घर वाले जो हैं वो पाखी को विश कर रहे होते हैं। और इसी बीच अश्विनी का भी रूप देख लीजिए, अश्विनी भी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो चुकी है पाखी पर। इसे देखकर फैंस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अश्विनी ने अपने पलड़े को पलटा है वो देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा हैरान है। यहाँ पर हर कोई बहुत खुश है क्योंकि पाखी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन होने वाला है चौहान हाउस में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो विराट है वो पाखी से सॉरी भी बोलता है। क्यों सॉरी बोलता है? वो इसलिए सॉरी बोलता है क्योंकि उसका बर्थडे नहीं याद रख पाया। ज़रा सोचिए, पाखी का बर्थडे याद नहीं रख पाया, इस वजह से विराट उसको सॉरी बोलता है। यहाँ सई ने इतना सब कुछ फेस किया है और सई को एक बार भी उसने सॉरी नहीं बोला, और ये बात जो है वो सई देख लेती है। सई यहाँ पर देखती है कि विराट उसको सॉरी बोल रहा है, यानी कि पाखी को सॉरी बोल रहा है। वो पूछती है कि क्यों, जिसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि भाई पाखी का बर्थडे है और पाखी का बर्थडे जो है वो विराट जो है वो भूल गए थे, इस वजह से वो उसे माफ़ी मांग रहा है। तो यहाँ पर पाखी बड़े ही नरम दिल से बोलती है, कोई बात नहीं, इतना सब कुछ तो था और इतनी सारी चीज़ें हैं तो मुझे पता है विराट तुम भूल गए होगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो पाखी है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो चुकी है कि उसे देखकर हर कोई हैरान है। उसका ये जो बदलता रूप है उसे देखकर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है। हालांकि पाखी ने जो है वो बीच में एक आध बार इस तरीके की चीज़ें की थी, जैसा कि आप सबने देखा ही कि वो साफ साफ कह देती है, विराट से पूछती है इनफैक्ट कि ये बताओ कि तुम अभी भी क्या सोचते हो सई को लेकर, क्योंकि मुझे ये जानना ज़रूरी है क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि सई हमारे बीच कभी नहीं आएगी। यहाँ पर जो पाखी है वो एक बार भी नहीं बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें सोचना चाहिए या मुझे मालूम है कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें जो है पाखी नहीं बोलती है। और यहाँ पर जो विराट है वो भी कुछ भी नहीं बोलता है, और ऐसा नहीं लगता है कि पाखी जो है वो विराट को समझाने की कोशिश करती है। हालांकि वो समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि अभी जाना ठीक नहीं, अभी तुम्हें रुकना चाहिए, तुम्हारी चोट ज़्यादा है, लेकिन विराट ने फैसला ले लिया है कि उसको यहाँ से जाना है, वो नहीं रहना चाहता सई के सामने। और उसे जगताप को लेकर अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा कुढ़न है, उसको समझना है कि आखिर जगताप और सई का रिश्ता क्या है, जो कि अभी फ़िलहाल सई बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, कोई सफाई नहीं देने वाली, क्योंकि विराट ने भी कोई सफाई नहीं दी, विराट ने भी कुछ भी नहीं बताया। लंबी कहानी है, लेकिन विराट फिर भी बता सकता था सई को, वो बता सकता था कि इस दौरान क्या क्या हुआ, तो हो सकता है कि सई भी इस बात को बताती, लेकिन विराट ये बताने के मूड में नहीं है, तो फिर सई भी क्यों ही बताए। बात तो सच है कि सई जो है वो अब पूरी तरीके से सोच चुकी है कि वो कुछ भी नहीं बताएगी। यहाँ पर जो पाखी है उसका बर्थडे होता है और विराट जो है उसको गुलाब भी देता है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा आगे आने वाली कहानी। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।